हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। एफोर्डेबल होम प्लान में आइए आज देखते हैं। प्लॉट साइज 27 फीट चौड़ाई में और लंबाई 57 फीट का प्लान। जी हाँ, 27 फीट बाय 57 फीट। फेसिंग साउथ है ये। 3 BHK का प्लान है। आगे में कार पार्किंग और किचन गार्डन के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। ये रहा स्क्रीन पर ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपके सामने। जी हाँ, फेसिंग साउथ है ये। चौड़ाई अब नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं। लंबाई इसका 57 फीट और ईस्ट टू वेस्ट 27 फीट। रियर सेटबैक इसमें 5 फीट छोड़ा हुआ है और फ्रंट सेटबैक एक साइड से 11 फीट 7 इंची एक्सक्लूडिंग वॉल थिकनेस और दूसरे साइड में 14 फीट यहाँ भी एक्सक्लूडिंग वॉल थिकनेस है ये। ये फ्रंट वाला वॉल 10 इंची की चौड़ाई में है। 10 इंची अगर इसमें आप जोड़ देते हैं तो एक साइड में हो जाएगा 12 फीट 5 इंची और दूसरे साइड में 14 फीट 10 इंची। ये 14 फीट 10 इंची 12 फीट 3 इंची के चौड़ाई में है। यहाँ छोटी कार पार्क हो जाएगी और इस साइड में आप फूल पत्ती वगैरह लगा सकते हैं। ये भी स्पेस बढ़िया है, 12x12 का स्पेस है ये। और भी कोई गार्डनिंग चाहे तो इस जगह पर छोटा मोटा किया जा सकता है। जी हाँ, उसके बाद में यहाँ से इस जगह से स्टेयर ऊपर चढ़ना शुरू होता है ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर लेवल का डिफरेंसेस रखा हुआ है 2 फीट का और यहाँ पर रोड लेवल से ग्राउंड लेवल का डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस 6 इंची का, जिसे पहले भी सभी वीडियो में दिखाया गया था वही यहाँ पर भी है। और उसके बाद में अब आइए ये देखते हैं, इस जगह पर आपका स्टेयर है। जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको ये सामने में स्टेयर केस नज़र आ रहा है। ये 3 फोल्ड में स्टेयर केस है। टोटल 22 स्टेप्स है जिस सभी 6 इंची खड़ा है सभी का। और राइजर यहाँ पर ये रखा हुआ 6 इंची, ट्रेड 10 इंची है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों लैंडिंग फर्स्ट और सेकंड लैंडिंग को बीच से काटा गया है। जी हाँ, ये फ्लाइट की चौड़ाई यहाँ भी 3 फीट है और यहाँ भी 3 फीट रखा हुआ है। ये देख रहे हैं बीच में 2.5 फीट का स्पेस बच रहा है। और ये सेकंड फ्लाइट की चौड़ाई आपको 3 फीट 4 इंची में है। ये यहाँ से यहाँ तक में 3 फीट 4 इंची है। सभी आपका ये रेड कलर का स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी कॉलम को दर्शा रहा है। तो यहाँ से जैसे इसमें राइट साइड में स्टेयर केस है, ठीक अपोजिट में फ्रंट में एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है जिसकी चौड़ाई आपको है ये यहाँ से यहाँ तक में ईस्ट टू वेस्ट 12 फीट 3 इंची और ये नॉर्थ टू साउथ 10 फीट का है। ये इसमें लेटरिन बाथरूम अटैच दिया हुआ है, ये टॉयलेट अटैच है। जी हाँ, इसका टॉयलेट का साइज इस जगह पर रखा हुआ है 8 फीट यहाँ से यहाँ तक में और 4 फीट इस जगह से इस जगह पर। इसके पीछे आपका यहाँ 3 फीट 10 इंची की चौड़ाई में 3 फीट 10 इंची की चौड़ाई में कट छोड़ा हुआ है। ये 3 फीट 10 इंची ऐसे है और यहाँ से यहाँ तक में ये 4 फीट है। ये सभी इंटरनल वाल ये सब वाल टॉयलेट्स का सब 5 इंची का है, बाकी ये 10 इंची में है, ये भी 10 इंची का है। एक्सटर्नल वाल तो सभी 10 इंची का है ही, एक्सेप्ट यहाँ 6x10 फीट का ये किचन देख रहे हैं, इससे सटा हुआ ये दीवार जो है सो 5 इंची का है। इसके बीच में आपको 2 फीट ये चौड़ाई दो ये हो गया, आपको 2 फीट 4 इंची में यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ये ओपन 2S का है, ये जगह पर 2 फीट 4 इंची हो गया, जबकि ये यहाँ से यहाँ तक में आप देख रहे हैं 10 इंची है ये। जी हाँ, ये आपका 10 इंची हो गया।
और उसके बाद में इसके सामने में एक हॉल है, हॉल का भी साइज अच्छा खासा रखा हुआ है, ये 16 फीट 7 इंची यहाँ से यहाँ तक में है और इस जगह से इस जगह तक में 12 फीट है। इसमें डाइनिंग टेबल आ जाएगा और इसके पीछे 2 बेडरूम है, दोनों बेडरूम का साइज रखा हुआ 12 फीट 3 इंची ये यहाँ से यहाँ तक में और 10 फीट यहाँ से यहाँ तक में ये। अब देखते हैं खिड़की, ये सभी WWW से जिसे डिनोट किया गया है वो सभी 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंची में है। लिंटर हाइट यहाँ पर भी 7 फीट रखा गया है। प्लिंथ हाइट 2 फीट 6 इंची है जी हाँ, 2 फीट 6 इंची के बाद में प्लिंथ हाइट पर ही DPC होना है, डैम प्रूफ कोर्स। उसके बाद में सीलिंग हाइट 10 फीट 8 इंची है जी। लिंटर का थिकनेस रखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर 10 इंची चौड़ी दीवारें हैं वहाँ पर 6 इंची में और जहाँ 5 इंची है वहाँ 5 इंची बाय ये यहाँ पर हो जा रहा है 10 इंची चौड़ी दीवार पर 10 इंची बाय 6 इंची का और यहाँ हो जा रहा है 5 इंची बाय 10 इंची का या 5 इंची बाय 9 इंची का भी आप रख सकते हैं। सभी कॉर्नर पर ये रेड स्टिफनेस या कॉलम को दर्शा रहा है। पीछे में यहाँ से यहाँ तक में 1.5 फीट में प्रोजेक्शन दिया हुआ है ये सनसेट। लिंटर हाइट पर सभी खिड़की के ऊपर से रेगुलर में है ये। फ्रंट में भी यहाँ पर दोनों आगे में खिड़की देख रहे हैं, इस पर भी सनसेट प्रोवाइड किया गया है। 15 इंची यहाँ से यहाँ तक में है और ये 10 इंची इधर लेकर करके पूरा इस वाल तक में इधर दिया हुआ है और यहाँ पर में इस वाल को ले लिया गया है ये। तो यह है ग्राउंड फ्लोर का प्लान और अब देखते हैं इसी पर फर्स्ट फ्लोर का प्लान। ये रहा फर्स्ट फ्लोर का प्लान आपके सामने। प्लॉट साइज 27 फीट बाय 57 फीट, फेसिंग साउथ। पीछे आप देख रहे हैं चौड़ाई जैसा कि 27 फीट है आपको और ये इस साइड में एक साइड में आपका वेस्ट साइड में है, पश्चिम है हो गया इधर, तो पश्चिम में आ गया आपका 39 फीट 7 इंच और ईस्ट साइड में है 37 फीट 4 इंच, जबकि नॉर्थ में 27 फीट और इधर साउथ में ये देखिए इधर ये सीट आउट है 12 फीट 3 इंची बाय 6 फीट 8 इंची का। इस जगह पर 3 इंची का ये रेलिंग है ये जी हाँ। बाकी ये सारा का सारा चीज़ सिमिलर है। ये कट ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पर भी ये कट है ये, जिसकी चौड़ाई रखी हुई है 3 फीट 10 इंची और ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक में 4 फीट है। बी का साइज दिया हुआ है 2.5 फीट बाय 1.5 फीट का। W1 का साइज है 3 फीट 10 इंची बाय 4.5 फीट का। W2 है 2 फीट बाय 4 फीट 6 इंची का। W3 है 4 फीट बाय 2 फीट का जी हाँ। ये कुकिंग प्लेटफॉर्म 2 फीट में दिया हुआ है, यहाँ पर हैंड वॉश के लिए दिया हुआ है ये सिंक ये प्रोवाइड किया हुआ है और ये टॉयलेट में यहाँ पर कोमोड देख रहे हैं। इस टॉयलेट का साइज हो गया आपको 8 फीट 4 इंच बाय 5 फीट 4 इंची। ये दोनों रूम के लिए है और ये कॉमन है, जबकि आगे वाले के लिए ये टॉयलेट रूम से अटैच है। बाकी और सब कुछ सिमिलर है। तो ये था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान। अब आइए देखते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन। जी हाँ, फ्रंट एलिवेशन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ ये देखिए ये छोटा हल्का फुल्का ये डिज़ाइन दिया हुआ है और यहाँ ये गाड़ी खड़ी करके दिखाया गया है। ये बड़ा सा गेट है ये यहाँ पर और इस साइड में बाहर का बाउंड्री वॉल है ये जी हाँ, 4 फीट तक है। उसके ऊपर में आपको ये ऊपर ये 2 फीट में यहाँ से हरा रंग में जो देख रहे हैं ये आयरन वर्क किया हुआ ग्रिल बनाया हुआ है ये। ये दोनों सामने के रूम का खिड़की है ग्राउंड फ्लोर में, सिमिलरली ये फर्स्ट फ्लोर में है। ये स्टेयर केस से सीट आउट में निकलता है ऊपर में यहाँ उस जगह का है और ये आपका कार पार्किंग स्पेस। ये बगल से जो स्टेप देख रहे हैं उसके ऊपर ये जो दरवाज़ा खुल रहा है ये
स्टेयर केस के लैंडिंग पर ये वेंटिलेटर प्रोवाइड किया ग्राउंड फ्लोर में भी और फर्स्ट फ्लोर में भी। तो ये है फ्रंट एलिवेशन, इसके पहले आपने देखा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान अच्छा है प्लान। तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लान पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। अगले प्लान के साथ अगले दिन फिर मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।